हेलो गाइस, मेरा नाम स्वागत है। और गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ 2-in-1 इमरजेंसी लाइट। और गाइस, इस लाइट को आप भी घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और गाइस, इस लाइट को मैं 2-in-1 बोल रहा हूँ इसीलिए कि इसके अंदर दोनों लाइट रहेगा और आप दोनों लाइट को आपके सबसे यूज़ कर पाओगे। और गाइस, इस लाइट को मैं 200 रुपये के अंदर बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 200 रुपये के अंदर बनाऊंगा। और आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना, और ऑनलाइन में इस तरह का जो लाइट है कितना प्राइस है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिया हूँ एक इस तरह का बॉक्स, और इसी बॉक्स आपको इलेक्ट्रिक सब में आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो बॉक्स को मैं खोल लिया हूँ, तो अब रखते हैं साइड में। तो आप गाइस, यहाँ पे लिया हूँ एक एलईडी बल्ब। तो ये एलईडी खराब हो चुका है, तो इस तरह का खराब एलईडी आपका घर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एलईडी का जो डिफ्यूज़र है उसको खोल लेता हूँ। तो खोल लिया है, और इसका अंदर जो एलईडी और हीट सिंक है इसको भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं। तो गाइस, खोल लिया है, देख सकते हो। और एलईडी का जो पीछे वाला पार्ट है, ये वाला, इसको भी यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो देखो, इसको थोड़ा सा घुमाने से ये खुल गया। ओके, तो अब गाइस यहाँ पे लिया हूँ एक 4 वोल्ट का एलईडी। और गाइस, ये एलईडी बहुत तेज़ी से ग्लो करता है। और जो हीट सिंक खोला था उसको भी यहाँ पे ले लिया। तो हीट सिंक के ऊपर एलईडी को फिट कर दूंगा। तो यहाँ पे फिट करने के लिए यहाँ पे हीट सिंक पेस्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो एलईडी खराब हो जाएगा। तो हीट सिंक पेस्ट मैं ले लिया हूँ, और एलईडी को अच्छे से फिट कर लेता हूँ। तो गाइस, एलईडी को मैं फिट कर लिया है, और अब एलईडी का दोनों पॉइंट से मैं दोनों तरह को सोल्डरिंग कर लेता हूँ, एक रेड और एक ब्लैक। ओके, तो सोल्डरिंग कर लिया है। तो अब गाइस, इसी दोनों तरह को एलईडी का इसी होल से बाहर निकाल लेता हूँ। तो अब गाइस, एलईडी को यहाँ पे फिट कर लूंगा। तो चलिए फटाफट फिट कर लेते हैं। तो गाइस, एलईडी को फिट कर लिया है, और अब एलईडी का जो डिफ्यूजर था उसको भी यहाँ पे फिट कर लूंगा। तो गाइस, बॉक्स को मैं फिर से ले लिया हूँ, और बॉक्स के अंदर मैं एलईडी को फिट करूंगा। तो एलईडी को मैं यहाँ पे फिट करूंगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। तो एलईडी को यहाँ पे रख के एक मार्क लगा देता हूँ होल्ड करने के लिए। तो मार्क लगा दिया है, और अब यहाँ पे एक होल्ड कर लेता हूँ। तो गाइस, होल्ड मैंने कर लिया है, और यहाँ पे एलईडी को फिट कर लेता हूँ। तो अब गाइस, यहाँ पे एक तार लगा दूंगा जिसे ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो गाइस, एलईडी लगाना कंप्लीट हो चुका है। तो अब गाइस, यहाँ पे लिया हूँ एक टॉर्च लाइट का लाइट। तो मैं इसे खराब टॉर्च लाइट से खोल लिया हूँ। तो अब गाइस, इसी लाइट को मैं बॉक्स के अंदर फिट कर लूंगा। तो गाइस, इसको यहाँ पे फिट कर लूंगा। तो इस लाइट को यहाँ पे लगाने के लिए पहले ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो ग्रुप कटिंग करने के लिए यहाँ पे एलईडी को रख के एक मार्क लगा देता हूँ। तो मार्क लगा दिया है, अब इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो कटिंग मैंने कर लिया है, और अब यहाँ पे एलईडी को फिट कर लूँगा। तो गाइस, एलईडी को यहाँ पे फिट कर लिया है, और यहाँ पे भी मैं तार लगा दिया हूँ। तो अब गाइस, यहाँ पे लिया हूँ एक स्विच, और इसी स्विच में देखो 3 पिन्स है। और गाइस, इसी स्विच के द्वारा आप दोनों लाइट को आसानी से ऑपरेट कर सकोगे। ओके, और आप चाहो तो यहाँ पे दोनों स्विच को यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद गाइस, यहाँ पे लिया हूँ एक चार्जिंग सॉकेट। तो चलिए बॉक्स के अंदर चार्जिंग सॉकेट और स्विच को फटाफट फिट कर लेते हैं। तो गाइस, अब यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोनों एलईडी का जो नेगेटिव तार है उसको एक साथ जोड़ लेता हूँ। तो जोड़ दिया है। तो अब गाइस, यहाँ पे लिया हूँ एक बैटरी। तो बैटरी को सबसे पहले बॉक्स के अंदर फिट कर लेता हूँ। तो बैटरी को यहाँ पे मैं फिट कर लिया है, और गाइस, यहाँ पे मैं फटाफट कनेक्शन कर लेता हूँ। और स्क्रीन के ऊपर आप एक डायग्राम देख पा रहे हो, उसी को देख के आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो। ओके, तो गाइस, कनेक्शन कर लिया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखो, पहला एलईडी जल गया, और दूसरा जो एलईडी है वो भी अच्छे से जल रहा है। तो अब गाइस, लिया हूँ एक चार्जिंग मॉड्यूल। तो फटाफट बैटरी के साथ चार्जिंग मॉड्यूल को फिट कर लेते हैं। तो
तो कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चार्जिंग मॉड्यूल को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पे होल भी कर रखा है, चार्जिंग मॉड्यूल में दोनों एलईडी है, एक चार्ज होने में चलेगा और एक चार्ज फुल होने में चलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे होल करके रखा है जिसे बाहर से मैं चार्ज हो रहा है कि देख सकूँ। ओके, और चार्जिंग मॉड्यूल को मैं ग्लूकॉन से अच्छे से जोड़ भी दिया हूँ। तो गाइस हमारा इमरजेंसी लाइट लगभग कंप्लीट हो चुका है, जस्ट ढक्कन लगाना बाकी है। तो चलिए ढक्कन को फटाफट लगा देते हैं। तो गाइस ढक्कन को मैं ले लिया हूँ और ढक्कन का यहाँ पे मैं मार्क लगा दिया हूँ, यहाँ पे फिट करने के लिए इसको कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो चलिए इसको फटाफट कटिंग करके ले आते हैं। तो गाइस ढक्कन को मैं कटिंग कर लिया हूँ, तो चलिए इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो गाइस इमरजेंसी लाइट कंप्लीट हो चुका है और गाइस मैं यहाँ पे एक हैंडल भी बना लिया हूँ, तो चलिए इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा इमरजेंसी लाइट पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो गाइस लाइट को टेस्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा चार्ज में लगा देता हूँ। देखो ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस चार्ज थोड़ा सा हो गया है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो देखो गाइस लाइट का ब्राइटनेस देखो, और टॉर्च भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए लाइट को बंद करके देखते हैं। तो देखो गाइस लाइट का ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया है। और गाइस टॉर्च का जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत ही बढ़िया है, देखो गाइस। तो गाइस लाइट को लेकर मैं बाहर आ चुका हूँ एकदम रात में। तो देखो लाइट का तेज देखो, पूरा लाइट ही लाइट हो गया यहाँ पे देखो। और टॉर्च लाइट को भी आपको जला के दिखाऊंगा। तो देखो ये टॉर्च लाइट का रोशनी है, देखो बहुत तेजी से जल रहा है। तो गाइस इसी इमरजेंसी लाइट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस तरह का मजा वीडियो इस पर आती रहती है। तो चलिए गाइस फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।